मुल्कवर्स अमानत अली वडैच ए एम लिंक स्टेट। आज हम दोस्तों को हाउस विज़िट करवाएंगे, 10 मरले का हाउस जो फार सेल है। स्ट्रीट व्यू आप देख सकते हैं, डिमांड इसकी 3,60,00,000 डिमांड है। ये स्ट्रीट व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा पानी आया, बाकी स्ट्रीट 40 फिट की स्ट्रीट है, अच्छी बनी हुई है। सेकंड टू कॉर्नर हाउस है। हाउस का आप ये देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन, और ये सामने इसके ये रैंप आप देख सकते हैं, कार रैंप, और ये ग्रीनरी यहाँ पे लगाई हुई है, लान बना हुआ है, और साथ ये डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं वाल वाला, और सामने भी आप ये एक तरफ देख सकते हैं। और अभी इसका मैं आप दोस्तों को मेन डोर यहाँ से जहाँ से हम इंटर हो रहे हैं मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये इसका डोर है, यहाँ पे 2 से 3 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते, 2 आसानी से गाड़ी यहाँ पे बड़ी खड़ी कर सकते हैं। और ये सामने गैलरी आप देख रहे हैं, भाई लाज जुबैरिया के रूल के मुताबिक बनाई गई है। और सामने ये डोर देख रहे हैं आप, ये इसका मेन डोर, यहाँ से हम इंटर होते हैं। तो साथ ही स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और ये साथ ही एक पॉडर रूम है, अच्छे डोर बने हुए हैं इसके, और वॉल पे ये आप देख सकते हैं मिरर का काम हुआ है, अच्छा डिज़ाइन हुआ है। और सामने इंटर हम हो रहे हैं इसके, ये आप देख सकते हैं इसका टीवी लाउंज, वीडियो वॉल सामने, और सिक्योरिटी कैमरे भी यहाँ पे इंस्टॉल है, और फानूस आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। और सामने डोर बड़े अच्छे से बने हुए हैं, डोर ये आप देख सकते हैं, इन डोर में काम हुआ है मिरर का। और ये इसका आ गया ड्राइंग रूम, सामने ये विंडो, और वॉल पे ये वॉल पेपर लगा हुआ है, और ये सामने वाले इसके डोर, और ये सामने वाला डोर इसका वायर वाला। तो यहाँ से हम निकलते हैं, तो अब देख सकते हैं ये इसका बेडरूम, सामने बेडरूम के ये एक विंडो इंस्टॉल है, नीचे आप देख सकते हैं इसका मार्बल, और बहुत खूबसूरत तरीके से सीलिंग यहाँ पे, और साथ ही ये इसकी वार्डरोब बनी हुई है, फुल लाइटेड बनी हुई है, डोर आप चेक कर सकते हैं, वॉशरूम में इसका आप ये देख सकते हैं सेपरेट शावर एरिया। और ये साथ ही कमोड और वेंटी ग्लास के साथ ही विंडो है, तो यहाँ से हम निकलते हैं। साथ ये एक स्टोर छोटा सा बना हुआ है साथ, और सेकंड रूम की तरफ हम चलते हैं। नीचे ये मार्बल का काम देख सकते हैं आप, ये सेकंड बेडरूम इंटर हो गया, ये सामने सीलिंग चेक कर सकते हैं आप, और ये विंडो। रूम में इंटर होते ही ये सामने कबर्ड इसकी है, फुल लाइटेड बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है, और डोर आप देख सकते हैं इसके कलर से अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत अच्छा डोर है। और साथ इसका ये वॉशरूम इसमें थोड़ी चेंजिंग है, इसका जो शावर एरिया वो सेपरेट नहीं है, कमोड आप देख सकते हैं, और साथ ये वेंटी, डोर आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से हम निकलते हैं बाहर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये अभी किचन आप दोस्तों को दिखाना रह गया, आप देख सकते हैं ये सामने किचन है इसका, और ये किचन में हम इंटर हो गए। ये ऊपर विंडो आप देख सकते हैं, केबिन देख सकते हैं,
और ये नीचे वाले बर्नर भी आप देख रहे हैं और केबन, ये साइड से इसका जो डोर दिया गया है, एग्जास्ट फैन भी ऊपर, सीलिंग आप चेक कर सकते हैं, और ये सामने इसकी विंडो। तो अभी ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। ये जो ही इंटर होते हैं, ये इसका मेन डोर और मेन डोर के साथ ही ये फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर्स जा रही है, और साथ ही ये स्टील का पाइप है जो जिसका ये आप देख रहे हैं ये काम हुआ है। ये सामने डोर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन में चेंजिंग की गई है, जो मतलब वॉल पे काम हुआ है। ये इसका डोर आप चेक कर सकते हैं, रूम का इसका, और सामने ये विंडो, वॉल पे आप काम देख सकते हैं कितना अच्छा काम किया हुआ है। और ये साथ जो मैं कोशिश करता हूँ अगर खुल जाता तो आप दोस्तों में दिखा देता हूँ इस टेरेस पे, ये देख सकते हैं सामने टेरेस। और इसका वॉशरूम आपको दिखा देते हैं, ये सामने वॉशरूम, ये कबर्ड बनी हुई है फुल लाइटेड, डोर आप चेक कर सकते हैं इसका, और इसका भी शावर एरिया सेपरेट है, वॉल शावर आप चेक कर सकते हैं, साथ विंडो है, कम आउट वेंटी। यहाँ से बाहर हम निकलते हैं, ये टीवी लॉन्ग जो आप देख सकते हैं सामने, खूबसूरत तरीके से फानोस डिज़ाइन है, फानोस इंस्टॉल किया गया है अच्छे तरीके से। साइड पे आप फैन चेक कर सकते हैं, और वॉल पे ये काम हुआ है, साथ ही वीडियो वॉल है। इसके सामने इसका ये किचन है, मैं थोड़ा आपको दोबारा ये दिखा देता हूँ, और अभी ये बेडरूम में हम इंटर हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका बेडरूम, डोर आप चेक कर सकते हैं, और जिस तरह फर्स्ट फ्लोर पे हुआ था उसी तरह ये भी आप चेक कर सकते हैं, मतलब सीलिंग डिज़ाइन उसी तरह ही है ग्राउंड फ्लोर पे जो था। और ये सामने इसकी विंडो, और इस साइड पे ये इसकी इंटर होते ही डोर के साथ ही कबर्ड बनी हुई है इसकी। ये मतलब जो मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ इससे ये है कि आइडिया हो जाता है, अगर कोई दोस्त विज़िट करना चाहिए तो, विज़िट से बेहतर तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि काफ़ी आइडिया हो जाता है कि हाउस किस तरह का है। ये साथ वॉशरूम इसका, ये देख चेक कर सकते हैं, इसका शावर एरिया सेपरेट नहीं है, कम आउट वेंटी आप चेक कर सकते हैं, साथ ही विंडो, एग्जास्ट फैन, और सामने डोर चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम निकलते हैं, इसका सेकंड बेडरूम आपको चेक करवा देते हैं, ये इसका सेकंड बेडरूम, डोर आप चेक कर सकते हैं, अच्छा डोर बना हुआ है। और ये सीलिंग डिज़ाइन चेक कर सकते हैं आप, और जो ही इंटर होते हैं रूम में सामने विंडो, और इस साइड पे हम आते हैं तो ये कबर्ड बनी हुई है सामने, देख सकते हैं आप फुल लाइटेड, ऊपर सीलिंग, सामने डोर। और इसी वॉशरूम में हम इंटर होते हैं, इसका वॉशरूम आप देख सकते हैं, अच्छा डोर बना हुआ है। और ये जो सामने आप चेक कर रहे हैं शावर एरिया सेपरेट,
कम आउट, शावर आप चेक कर सकते हैं, इसका कम आउट, वेंटी और मिरर इंस्टॉल है, साथ विंडो। अभी हम यहाँ से निकलते हैं, मैंने दोस्तों आप दोस्तों के साथ डिटेल इसकी बता दी है, कोई ऐसी बात जो रह गई हो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, डिमांड आप दोस्तों को इसकी बता दी है, कोई दोस्त विज़िट करना चाहेगा तो हम उसे विज़िट भी करवा देंगे। बहरिया फेज़ 8 में यह हाउस है, स्टैंडर्ड डायमेंशन है 10 मरला के इसके।